एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहली बात क्या सीखा आपने? तो वन एंड ओनली दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्स एटीपी, सबसे पहली बात। मस्ट है तो मस्ट है, चाहिए तो चाहिए, एटीपी चाहिए इसको। क्यों? क्योंकि आपके नर्वस रेगुलेशन के लिए सोडियम पोटेशियम चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो आज के बाद से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि अपने डाइट में से आप सॉल्ट को मिस करने का काम करेंगे, ठीक है। आपको सोडियम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको कोई ऐसा सोर्स लेना पड़ेगा जो आपकी बॉडी को सोडियम प्रोवाइड करे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। एक दूसरी बात, जैसी एटीपी चाहिए तो ये अपने आप क्लियर करा, आपको इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये खुद बेचारा बता रहा है एटीपी क्यों चाहिए, क्योंकि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है। अब ना ये पॉइंट खुद अगला पॉइंट बता रहा है, क्या बोलने का मतलब है? आप लोअर टू हायर बोल रहे हैं, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिख सकते हैं हम लोग, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जा रहा है। कह रहा है कि हाँ लोअर टू हायर जाएगा तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर जगह हम ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। क्या मतलब है इसका ग्रेडियंट का? अब ये जो है ना अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये खुद बता रहा है कि तुम मुझे बोलो अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि कम से ज्यादा की तरफ भेजना, ठीक है। अब जैसे आप एक व्हीकल देख रहे हैं, कोई ट्रक है और उसने बहुत हैवी जो है वो सामान लोड करके रखा हुआ है। अब इस उसके पास ना वो एक फ्लाई ओवर पे चढ़ने जा रहा है, ऐसे फ्लाई ओवर पे चढ़ने जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ क्या है, वो चढ़ाई पे है। तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना चढ़ने में, या वो तो खैर चलिए ऐसे चला रहा है। अगर हम किसी ऐसे के बारे में बात करें जो कि जैसे रिक्शा वाला चल रहा है, ठीक है, उस बेचारे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वहां पे ऊपर जाने के लिए। दैट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हाँ, मैंने ग्रेडियंट का मतलब पूछा था, क्या मतलब है? फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है, और जब जब साइंस पढ़ेंगे वहां वहां पे आएगा। मैम स्लोप क्या चीज का? स्लोप किस चीज का? मैम अपवर्ड या डाउनवर्ड का स्लोप? देखिए स्लोप नहीं, ग्रेडियंट होना सिंपल सी बात है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पहले मैं ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर देती हूँ। Na प्लस और K प्लस पंप फॉर रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, फिजिक्स में आप पढ़ रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बायो में पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये ग्रेडियंट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। जब कभी भी ग्रेडियंट की बारी आएगी ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हर जगह ऐसे ऐसे केसेस में आपको सुनने को मिल रहा। जब कभी भी आज की बात से ग्रेडियंट सुनने को मिले ना, तो हमेशा एक बात याद रखें कि यहाँ पे ना हमें दो चीजों को कंपेयर करके देखना है, नोटिस करके देखिए। जब इवन आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट का मूव करना ही क्यों ना देखें, चाहे आप कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जो आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पढ़ते हैं, वहां भी आप ग्रेडियंट टर्म का यूज करते हैं। जिस दिन ग्रेडियंट बंद हो गया ना, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, सोच के देखिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, ग्रेडियंट टर्म, मतलब लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, भाई कुछ है ही नहीं, बराबर है, इक्विलिब्रियम है, फिर काय का ग्रेडियंट, फिर क्यों बोलेंगे हम ग्रेडियंट। तो जब कभी भी आज के बाद से आपको ये ग्रेडियंट टर्म सुनने को मिले, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये ग्रेडियंट का मतलब है कि वहां पे, लेकिन दो चीजें होंगी वहां पे, तीन नहीं। अब मैंने ये टेबल बना दिया, अब टेबल बना दिया तो मैं थोड़ी बोलूंगी सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ग्रेडियंट। नहीं, ग्रेडियंट टर्म जब यूज होता है दो चीजें ही कंपेयर करी जाती है, कोई भी दो चीज, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट बोल रहे हैं। अगर हमने बोला अगेंस्ट द प्रेशर ग्रेडियंट, तो आप मतलब समझ जाएंगे, अच्छा लो प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ है ना।
तो जब भी अगर बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, अब जब कभी बोला जाएगा समझ जाएंगे मतलब इसका, समझ आया, क्लियर है?